तो जो दिल्ली में फेमस हॉस्पिटल गंगाराम हॉस्पिटल है, उनके जो ऑनर है ना वो यहाँ पे है। डांस करो आप भी, डांस कर दे। ओ वेरी गुड वेरी गुड, ताली अब जाओ भाई, देखो डांस करेगी शाब, डांस तो करो। सर को बोलना था ना यार। और ये है उनकी छत से ना, छत से बैक साइड का जो हमीरपुर साइड का ना, बैक साइड का इस तरह का सीन है। बहुत सुंदर व्यू, पता नहीं इसमें आ पा रहा कि नहीं आ पा रहा, लेकिन बहुत ज्यादा सनसेट हो रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था इस टाइम। और उनका ना हाइट पे बिल्कुल पहाड़ी पे इनका घर, और चारों तरफ सराउंडिंग में ना मतलब टॉप पे है और चारों तरफ ऐसा लग रहा जैसे पहाड़ी से घिरा पड़ा है। ये बहुत सुंदर लोकेशन पे है, बहुत प्यारी जगह है जहाँ पे इनका घर है। तो चलो देखो आप भी लो पहाड़ों के नजारे, इंजॉय करो। और एक छत से जो फ्रंट है उनका, फ्रंट का व्यू इस तरह का है सामने वाला। मनोज ब्लॉग्स देखता है जो तूने मेरे को हिमाचली ब्लॉग कभी कभी कैसे तुम्हारे पास वो नोटिफिकेशन ऑन किया हुआ कैसे यूट्यूब में? तो ऐसा करना, हाँ तो सब्सक्राइब किया नहीं होना चैनल, पक्की बात है। सब आप देखती हुए देखा, अपने किया सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? नहीं किया ना, नहीं। ये मेरे अपने ऐसे होते हैं अपने, ये होते अपने। सुन तेरे ऊपर ना वो वाली कहावत, चरितार्थ होती है चिराग तले अंधेरा। अच्छा डेली ब्लॉगर हूँ, स्लेटों के बहुत सुंदर लगता है इसका। हिमाचल यही में कांगड़ा साइड गए थे, बहुत थे रात को, सच में बहुत अच्छा लगता है ना। कौन सा अमीरपुर कहाँ पे? कौन सा अनु का कॉलेज है? वो जो पार्क दिख रहा है, पोल दिख रहा है, लंबा सा लंबा सा टावर, एलफी टावर। ये अनु यहाँ पे है? यहाँ कॉलेज है, यहाँ आती हूँ मैं। जो मेरे वो है ना जानने वाले, इनके इधर आती हूँ मैं। अच्छा वो टावर दिख रहा है वहाँ पे, वो स्कूल में। ठीक है ठीक है, ये तो ये हो गया ना कि पानी की टंकी के सामने टावर दिख रहा हल्का जहा पतला लंबा। हाँ हाँ टंकी के सामने जो टावर जाए, ये देखो जी अनु कॉलेज का ना। हाँ ये देखो, ये हमीरपुर का अनु कॉलेज, मुख्यमंत्री। अच्छा इधर ठाकुर, ये जो दिख रहा है ना सिर्फ उस साइड को है। अच्छा अच्छा, यहाँ ससुराल है मेरे, उधर गाँव है। यहाँ पे ससुराल है? तो कितनी यहाँ से कितनी दूर है? 12 किलोमीटर बस। वैसे देखने में ऐसा लग रहा है जैसे पता कितनी दूर है ना, इधर से घूम के जाओ। टोन देवी में 3 किलोमीटर 5 है ना इधर से, आगे 7 किलोमीटर तब तो कुछ भी नहीं है ना, पर लगता है ऐसे जैसे है ना, बताए कितनी दूर है। ये देखो जी सामने, किसी को अगर लोकेशन ना पता हो, धूमल जी के घर टौनी देवी है। और हमारे जो भूतपूर्व सीएम थे अनुराग ठाकुर तो चलो अब एमपी हैं, पर उनके फादर धूमल जी सीएम हिमाचल प्रदेश रह चुके हैं, जो मतलब एक्स सीएम, उनके घर यहाँ पे है। वो देखो जी सामने बीच में एक बिल्डिंग दिख रही है, सबसे बड़ी बिल्डिंग व्हाइट कलर की। तो जो दिल्ली में फेमस हॉस्पिटल गंगाराम हॉस्पिटल है, उनके जो ऑनर है ना वो यहाँ पे है। तो जो हमीरपुर है ना, हमीरपुर को आप छोटा मत समझिए, यहाँ से बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां कर दिया जूम, लास्ट जूम पे है। तो यहाँ से जो है वो बड़ी बड़ी हस्तियां निकली है यहाँ से। और ये भी छोटी नहीं हस्तियां, वो बाबा कितना बड़ा दिख रहा है तुम। और ये भी छोटी हस्तियां नहीं है यहाँ पे, देखो है ना, इनसे बड़ी हस्ती भी कोई नहीं है। भी चिराग तरह अंधेरे वाली भाई कहते आपके ब्लॉग्स देखता हूँ और सब्सक्राइब अब तक ही नहीं किया है। ऐसी हस्तियां भी यहीं से निकली है, इसी से हमीरपुर से। आपका नाम क्या बता दो, क्या नाम है आपका? अच्छा डांस करके दिखा दो प्लीज, डांस करके दिखा दो, दिखा दो मेरा बच्चा, डांस करो डांस करो। ओ भाई फोन लेना है, अच्छा भाई ने करना है डांस, भाई ने करना है,
भाई आप भी डांस करो, करो इसके साथ डांस करो, आप भी डांस कर दे। वेरी गुड वेरी गुड, ताली बजाओ भाई, देखो डांस करेगी शायद। डांस तो करो तो फिर मिलेगा फोन, पहले डांस करो, डांस करो पहले, फोन तब मिलेगा, पहले डांस करो। देखो फोन, फोन का लालची, फोन का लालची, डांस करो पहले, मैं दूंगी दूंगी पहले, डांस करो, डांस करो। हेलो कौन है, नॉक नॉक, हेलो। हम जा रहे हैं शनि मंदिर और टौनी देवी मंदिर, हम आपको दिखाएंगे आगे शनि देवी टौनी देवी मंदिर। और ये दीदी है, ये उर्मिल है, भाई मैंने बोला तेरी मम्मी मुकर गई थी, इन्हें बोला भी मेरे है ना, वही कह रही हूँ, मेरे को भेजी थी कर। ओ साईनाथ है ना वहाँ, चलो जितना और व्यू देखो यहाँ से, व्यू जय हो, थैंक यू। ये देखो जिस तरह से हाँ गुफा बनी पड़ी है, ये देखो अति सुंदर नजारा है। और ये आज ये उर्मिल के भाई मेरी शर्ट उ रही है, ये उर्मिल ना दिन में नहीं आई उर्मिल, और वंचित रह गया इन चीजों से। हे राम दिखाइए इनको, राम भक्त जी को दिखाइए, हे राम हे राम, वाह यार वाह 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 वाह, हे राम हे राम। दिखा उर्मिल लाइट दिखा प्लीज, उर्मिल लाइट दिखाइए उर्मिल जी, ये उर्मिल लाइट भी दिखा रही है। और ये देखो हमारे हनुमान जी का गदा, और उस पे क्या लिखा गया है, तो लाइट जगानी नहीं आती, जड़ी नहीं रुक जा, तो लाइट जगानी नहीं आ रही। हाँ अब जरा ऊपर ऊपर करी जरा, मैं गदा गदा जो जो देख रहे हैं उन पे सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और उर्मिल लाइट फिर बंद कर दी, थोड़ा सा ना थोड़ा ऐसे करना ऊपर में यहाँ, जय हनुमान जय हनुमान, आगे 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 आ गए हनुमान जी, आगे जय हनुमान। अंधेरा हो गया तो मुश्किल लग रहा है, नहीं दिखेगी नहीं दिखेगी नहीं दिखेगी क्योंकि अंधेरा हो चुका है। ये है भोलेनाथ जी, ये जी प्रसिद्ध शनि मंदिर, ये हमीरपुर में लंबलू है ना, लंबलू नामक जगह है तो वहाँ पे है ये। आज और आज शनिवार है तो बहुत किस्मत वाले हैं, शनिवार को हमें शनिदेव के जी के दर्शन करने को मिले। तो जय शनिदेव, आप सब लोगों पे शनिदेव की कृपा बनी रहे। और ये देखो ये है जिन्होंने धरती को अपने मजबूत कंधों पे उठा के रखा हुआ है हमारे। ये रोड जा रही है, ये जो नीचे रोड है वो जा रही है लंबलू, ये डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में है। और ये लोकेशन है, और ये देखो जी ये सामने वो बना हुआ है ना
जहाँ पिलर विलर दिए हुए हैं, लेंटर सा बना हुआ। तो ये अभी ये बता रहे थे भी यहाँ पे एक बार ना इधर से बस आई है तो वो सीधी नीचे चली गई, नाला था यहाँ पे, तो काफी लोग मर गए थे, तो तब से ये लेंटर बन। तो जी हम जा रहे हैं वापिस घर हमीरपुर, जहाँ उनका घर है। दर्शन कर लिए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। नीचे तो दर्शन सही हो गए, लाइट थी, लेकिन ऊपर जो साइड में जहाँ हनुमान जी की और गुफा है और शिव जी की मूर्त है ना, बहुत बड़ी मूर्त है कहते हैं, वहां के दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे और वहां पे लाइट्स नहीं थी। तो चलो कल आने वाला ब्लॉग जरूर देखना, आने वाला ब्लॉग में कैसे हमने उनके वहां टाइम बिताया, कैसा उनका, वो चीजें मैं सब कुछ दिखाऊंगी। और बस अभी घर जा रहे हैं और ये जो आपका लम्बलू की जो मार्केट है उसमें से निकल रहे हैं, और उसमें से निकल के अब आगे ना शॉर्टकट लिया हमने उनके घर के लिए। ये शॉर्टकट है यहाँ से, बीच बीच में से गांव में से रास्ता है कोई, कह रहा मैं नहीं पता इतना, लेकिन जो कुछ भी है, चाहे रात है चाहे दिन है, हिमाचल हिमाचल है, अच्छा लगता है देखना।